गर्मी का मौसम था। पेड़ पौधे नदी झरने सब कुछ सूखे पड़े थे। पशु पक्षी सब परेशान थे। टुनी पक्षी अपने बच्चों को साथ घर में थी। वह आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, इस धरती को ठंडा करो, बारिश कराओ। अगर इसी तरह गर्मी बरसती रही तो हमारी जान चली जाएगी। इस तरह वो बड़ी दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इतने में तिया अपने बच्चों को साथ वहाँ पहुँचती है। तिया दुखी होकर बोले, गर्मी के कारण जंगल में आग लगी है। उस आग में हमारे पेड़ को पूरी तरह जला डाला। मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए अपने बच्चों के साथ तुम्हारे पास आ गई। हमें तुम्हारे साथ रहने दो ना। तुम दुखी मत हो दोस्त, मुश्किल समय में अगर दोस्त ही दोस्त के काम न आए तो हम कहाँ जाएंगे भला। इसी तरह टुनी हिम्मत बनकर उसे अपने पास रख लेती है। कुछ दिन बाद कौवे और कबूतर भी टुनी के घर पहुंचती है। हमारी घर पूरी तरह बर्बाद हो गई है, हमें यहाँ रहने दो मित्रों। इस तरह वह दोनों भी सहायता मांगते हैं। टुनी सबको अपने पास रख लेती है। सब लोग मिलजुल कर उस छोटी सी घोंसले में रहने लगते हैं। गर्मी और भूख के वजह से एक एक करके उनकी बच्चे मरने लगते हैं। सबसे पहले कबूतर का बच्चा मर जाते हैं। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरा बच्चा मर गया, अब हम कहाँ जाएं? यह बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। रो मत, अपने दिल पर पत्थर रख लो, हिम्मत दिखानी होगी तुम्हें। अब मैं जीवित रहूंगा तो किसके लिए? मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। उनके चले जाने के बाद टुनी और कौवे की बच्चों को भी तबीयत ठीक नहीं रहती। टुनी अपने बच्चों को देखकर रोते हुए बोली, दुखी होने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह वह दुखी होने लगते हैं। बच्चे छोटे होने की वजह से भूख सह नहीं पाते और मर जाते हैं। अरे यह सब क्या हो गया, अब मैं यहाँ किसके लिए रहूं? और वो टुनी से बोली, मित्रों, घोंसला छोटा होने पर भी तुमने हमें यहाँ रहने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम जैसी मित्रों को कभी नहीं भूल सकती। तुम जैसे मित्रों सबको मिलना चाहिए। जब टुनी पूछती है तुम कहाँ जाओगे, तब कौवा कहता है, जहाँ खाना मिले वहाँ चले जाएंगे। मित्रों, मैं खाने की तलाश में घूम के आती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम अपने बच्चों के साथ मेरे बच्चों को भी ख्याल रखो। ठीक है मित्रों, तुम अपना ख्याल रखना। तिया खाने की तलाश में ओहा से चले जाते हैं, लेकिन तिया वापस नहीं आता। और इधर टुनी तिया की राह देखते हुए परेशान होने लगते हैं। उसकी अगले दिन टुनी की तबीयत खराब हो जाते हैं और नींद में दम तोड़ देती है। यह देख कर तिया और टुनी के बच्चे रोने लगते हैं। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो न, माँ माँ उठो न। इस तरह वह बहुत दुखी हो जाते हैं और अकेले घोंसले में रहने लगते हैं और भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक चील अपने बच्चों के लिए पानी से भरा हुआ एक घड़ा ले जाती है। वह घड़ा अचानक फिसल जाती है और बच्चों की घोंसले के पास अटक जाती है। उस घड़े से पानी सीधे बच्चों के ऊपर गिरता है, जो वह बच्चे पीते हैं। तुरंत वह चील वह घड़े लेने पहुंच जाती है और बच्चों को देखकर बोलती है, बच्चों, अभी तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग ठीक नहीं है, हमें बहुत भूख लगी है।
हमारी माये मर चुकी है, हमें देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। बच्चों इस तरह चील से प्रार्थना करते हैं। चील माँ होने की वजह से उस बच्चों का दुख समझती है। दुखी मत हो, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूँगी। ऐसा बोलकर चील बच्चों को लेकर बहुत दूर उड़ते हुए अपने घोंसले पर पहुँचती है। अपने बच्चों को साथ उन बच्चों को भी खाना देती है। उन सभी बच्चों की अच्छी देखभाल करने के लिए वह बहुत कोशिश करती है। फिर उसे पता चलती है कि नदी के पास खूब खाना मिल रहा है। वह सभी बच्चों को लेकर दो दिन बड़ी मुश्किलों से उड़ते हुए जाकर नदी के पास पहुंचती है और उनसे बताती है कि यहाँ पानी और खाना खूब मिलता है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रही है। हाँ बच्चों, ये जगह बहुत अच्छी है। अगर हम एक अच्छा घोंसला बना लेंगे तो यहाँ आराम से रह सकते हैं। इस तरह उन्होंने बच्चों को समझाया। फिर कुछ दिनों में वह बहुत अच्छा घोंसला बना लेती है और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।